हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एडवांटेज छोड़कर गया था कल मैं। बाबू स्टार्ट कर रहा हूँ, फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। पेज नंबर 202 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एडवांटेजेस। हार्दिक भाई चुप हो जाओ। बेटा पहली एडवांटेज लिखी गई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। याद होगा बेटा कल जब कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैं डिफरेंशिएट कर रहा था तो सबसे पहले यही बात बोली थी कि कमर्शियल बैंक 20 साल के लिए लोन कर सकते हैं लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 30 साल के लिए लोन कर सकते हैं। तो बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको उस टर्म के लिए फाइनेंस कर सकते हैं जिस टर्म के लिए कमर्शियल बैंक सोच भी नहीं सकते। क्लियर हो गई होगी पहली एडवांटेज। सेकेंड वन, ये भी बात कल करके गया हूं, बिसाइड प्रोवाइडिंग फंड मेनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंशियल मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी टू द बिजनेस फर्म। बेटा कमर्शियल बैंक सिर्फ लोन करते हैं लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन के साथ साथ बेटा कंसल्टेंसी देते हैं। आप लोन लेने चले जाओ, किसी इंडस्ट्री को आप सेटअप कर रहे हो, बाबू आप इतनी कंसल्टेंसी उनसे ले सकते हो कि इस चीज के लिए रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, इस चीज के लिए टेक्नोलॉजी कहां से मिलेगी, इस चीज के लिए मशीनरी कहां से मिलेगी, इस बिजनेस के लिए लेबर कहां से इजली अरेंज होगी, ऐसी सारी कंसल्टेंसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। कल कर चुका हूं ये बात में। फोर्थ और फिफ्थ एडवांटेज देखना पहले, एक मिनट थर्ड छोड़ दो। एज द रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट इट डज नॉट प्रूव टू बी मच ऑफ अ बर्डन ऑन अ बिजनेस। बेटा कल भी करी थी ये बात, बाबू आपने 10 लाख का लोन लिया और आपसे बैंक ने कहा कि 11,000 रुपए महीना किस्त दे दो फॉर 10 ईयर्स और आपका पूरा लोन उतर जाएगा। क्योंकि बेटा आपने 11,000 रुपए महीना दे रहे हो 10 साल तक, आप ये टोटल पैसे दे रहे हो 13,20,000। आपने 10 लाख का लोन लिया था, आपने वापसी कितने करे 13,20,000, लेकिन बेटा इन द इजी इंस्टॉलमेंट आपको पता भी नहीं लगेगा, आप 11,000 रुपए महीना देते रहोगे, 10 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी उतर गया और इंटरेस्ट भी उतर गया, ठीक है ना। आप डिवेंचर के केस में सोचो क्या होता होगा, आपने 10 लाख रुपए डिवेंचर से लिए, 10% डिवेंचर से आप हर साल 1 लाख दिए जा रहे हो, क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज। 1 लाख रुपए जाए जा रहा है 10 साल तक क्या गया, 1 लाख रुपए चले गए, 10 लाख रुपए चले गए, लेकिन ये सिर्फ ब्याज गई। अभी 10 साल बाद प्रिंसिपल और देना 10 लाख का, उसके कंपैरिजन में बैंक लोन सोचो बेटा, या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोचो बेटा। एक किस्त बन जाती है, इस किस्त में ही प्रिंसिपल अमाउंट भी है, इस किस्त में ही बेटा क्या है इंटरेस्ट भी है, आपको पता भी नहीं लगेगा, इस इंस्टॉलमेंट में बेटा सब कुछ उतर जाएगा आपका। यह है फायदा लोन लेने का, ठीक है जी। फिफ्थ वन कहता है बेटा द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन व्हेन अदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल। कल कमर्शियल बैंक में भी एडवांटेज आई थी, सबसे पहली तब भी मैंने ये बात की थी, बेटा बहुत तगड़ा कोविड हो गया, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड फंड, शेयर इशू करोगे कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सबके दिमाग में क्या है, घर पे पैसा बचाओ पैसा बचाओ, कौन खरीदेगा आपके शेयर, आप कहोगे डिबेंचर कोई नहीं खरीदेगा, आप कहो प्रेफरेंशियल कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन बेटा एक सिंपल सी बात है, कंपनी को पैसा चाहिए और कुछ नहीं बिक रहा बेटा। बाबू जब सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी बंद हो जाते हैं तब भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दरवाजे बंद नहीं होते, उनके पास थोड़ी पैसों की कमी है बेटा, पब्लिक के पास कमी है। तो बेटा ये क्या कह रहा है, चाहे मार्केट में बहुत तगड़ा डिप्रेशन है रिसेशन है, कोई आपके पास कोई और चारा ही नहीं है, तब भी बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन कर देगा आपको, ठीक है ना जी। अब थर्ड एडवांटेज की बात, ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट, कॉन्सिक्वेंटली सच अ कंपनी कैन रेस फंड इजली फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। बेटा देखो जिस स्टेज पे हम है ना, ठीक है ना, अगर मैं आपको कह दो ना कि लोन ले लो तो आपको पता क्या लगेगा कि गुडविल गिर जाएगी यार, लोन ले लें हमारी रेपुटेशन ही गिर जाएगी, एक ठीक ठाक फैमिली ऐसे ही सोचती है, ठीक है ना। लेकिन बेटा यहां जो बात लिखी गई है बिल्कुल उल्टी लिखी गई है, बेटा कंपनी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो उसकी गुडविल गिरती नहीं है बल्कि बहुत बढ़ जाती है, शेयर मार्केट में गुडविल बहुत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों,
क्योंकि बेटा देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं लोन देते टाइम, तो इतनी तहकीकात कर लेते हैं आपके बिजनेस पे कि सब कुछ ठीक है तभी वो लोन करते हैं। अगर बेटा अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन कर दिया ना, तो समझ लेना शेयर मार्केट में आपकी इमेज बहुत बढ़ेगी। क्यों बेटा? सबके दिमाग में होता है अच्छा इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन कर दिया, वो तो भाई बहुत तहकीकात करता है, तब भी लोन कर दिया, इसका मतलब इस कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है, इस कंपनी को और लोन दे दो। चाहे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन कर दिया ना बेटा, फिर तो सब कोई हर कोई आपको पैसे देने को तैयार हो जाएगा, तो इससे आपकी गुडविल गिरती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। समझ आई बात बेटा? एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रेड क्रेडिटर, 5 से 7 मिनट का है, इसे खत्म करके जाएंगे। आप सब सामने देख रहे हैं पहले मेरी तरफ, हैं जी सर, जितना टाइम कहता उतने में ही छुट्टी हो जाएगी, पक्की बात है, बस आप सामने देखो। ठीक है जी, कट है? अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, होने दो कट, नॉलेज के लिए पढ़ ले, छोड़ दे बाबू, कर रहे हैं बात, सामने देखना बेटा। ये टर्म हमने बहुत बार पढ़ी है अकाउंट्स में, पढ़े है ना बेटा, ट्रेड क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, या बेटा अकाउंट पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स या बेटा अकाउंट पेबल। बाबू क्या होते हैं क्रेडिटर्स? वो सप्लायर्स जो बेटा जिससे हमारे बिजनेस में उधार पर गुड्स आता है बेटा, उन्हें हम बोलते हैं बेटा ट्रेड क्रेडिटर। ऐसे ही शो करते हैं ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज सन्ड्री क्रेडिटर, एज अकाउंट पेबल, यही सब नाम से शो करते हैं ना बेटा। ऐसे देख रहे हो अकाउंट्स में कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं गया ये क्रेडिटर टर्म, तो शक्लें क्यों ऐसे बन रखी है भाई, जैसे कभी देखा भी नहीं है, पहली बार कोई बता रहा हूं आपको मैं बात। बेटा ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? वो सप्लायर्स जिनसे हम उधार पर गुड्स खरीद कर लाते हैं। बेटा देखो चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आपको लग रहा होगा पैसा थोड़ी आ रहा है, बेटा पैसे के बराबर गुड्स भी तो आ रहे हैं, तो बेटा ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि विदाउट द इमीडिएट पेमेंट आपको इतना सारा गुड्स मिल जाता है बिजनेस में उधार का, जिसको चाहे आप आज कैश में बेच के आज कैश कर लो। बेटा एक बात और ध्यान रख लेना, जनरली ट्रेड क्रेडिट इज अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस, नॉर्मली हर बिजनेस में उधार चलता है बेटा, और एवरेज उधार का टाइम पीरियड 90 दिन तो है ही है, हर बिजनेस में 3 महीने का उधार तो रेडिली अवेलेबल है, मिलता ही मिलता है बेटा। बस सामने वाला क्या करता है बेटा, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जानना चाहता है कि हाँ आप उतार दोगे, फिर तो वो बेटा आपको उधार देने को हमेशा ही तैयार बैठा है। ठीक है ना, मैं आज किसी सप्लायर से नया जुड़ा हूं, मैंने बिजनेस खोला है नया जुड़ा हूं, पहली बार में उधार नहीं देगा, पहली बार में मैंने 5 लाख का माल खरीदा, 5 लाख नगद फेंक किया, दूसरी बार में 10 लाख का खरीदा नगद फेंक किया है बेटा, बस 4-5 बार आपने उसको दिखाना है कि आप पेमेंट बिल्कुल कड़क करते हो, छठी बार में वो ही कहेगा ले लो उधार कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही होता है ना बेटा बिजनेस में, जितने बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से बताओगी ये बात, ऐसा ही चलता है बिजनेस में। एक बार आपकी क्रेडिट वर्दीनेस सामने वाले को पता लग जाए कि आप हाँ लोन उतार देते हो, पैसा उतार देते हो टाइम पर, तो बेटा वो कभी मना नहीं करता उधार के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, क्या ट्रेड क्रेडिट से अनलिमिटेड पैसा रेस किया जा सकता है? अनलिमिटेड सर, हर एक की उधार देने की एक सीमा है ना बेटा, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड रेस कर सकते हो। आपको बता देता हूं, जब सामने वाले को लगेगा ना कि हाँ आपकी इस अमाउंट से ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो अपना हाथ खींच लेगा। मैं कहता हूं आप अभी 12th class में हो, आपके पेरेंट्स ने खुली छुट्टी दी हुई है, एक दुकान पे आपका खाता चलवाया हुआ है कि खा लिया कर पी लिया कर और यहां पैसे लिखवा दिया कर कि आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है जी। लेकिन पेरेंट्स भी बता के चलते हैं सामने वाले को कि 1000-2000 तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खाते रहो पीते रहो, टोकेगा ही नहीं आपको। लेकिन जिस दिन जैसे ही अमाउंट 2000 हुई, उस दिन कह देगा ना ना अब पहले पैसे जमा कराना। तो सामने वाला बेटा उधार तो देता है, लेकिन बेटा उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट क्या है? आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, जहां उसको लगेगा कि ब्रेक हो सकती है वहां वो अपना हाथ खींच लेगा, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रख लेना बेटा, ट्रेड क्रेडिट से जब हम पैसे लेते हैं, क्या कोई हम एसेट गिरवी रखते हैं? उधार में माल लेकर आते हो, एसेट गिरवी रख के आते हो उसके नाम, तो क्या कोई सॉर्ट ऑफ चार्ज क्रिएट होने वाला ऑन द एसेट? नहीं,
कभी भी नहीं। और ट्रेड क्रेडिट से बेटा पैसा सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के अंदर अंदर तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा, और मैं जनरली बता रहा हूं 3 महीने का ही उधार होता है। एक साल में तो करना ही पड़ेगा ना, तो बेटा मीडियम तक टर्म तक भी कहानी जाएगी नहीं बेटा, इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, अब बस मुझे रीड कराना है, मैं सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है जी, कंफर्म कर दो बस बेटा, फिर छुट्टी करते। बाबू ये सबसे पहला टॉपिक है, पेज नंबर 192, रिटेन अर्निंग से बिल्कुल नेक्स्ट वन पढ़े। कहता है ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू द अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्रेडिट क्या है बेटा? वो उधार जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। यही मतलब होता है ना बेटा ट्रेड क्रेडिट का, कि गुड्स आ जाएगा लेकिन आज पैसे नहीं देने। कहता है बेटा सच क्रेडिट अपीयर इन द रिकॉर्ड ऑफ द बायर सच एज सन्ट्री क्रेडिटर और अकाउंट पेबल। ट्रेड क्रेडिट इज कॉमनली यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। बस इतना ही। पहले लिमिटेशन पढ़ दो फटाफट से, 3 जल्दी से पढ़ दो बेटा फटाफट। बेटा लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज मे इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच मे एड टू द रिस्क टू द फर्म। देखो बेटा वो कहता है अगर बहुत इजी और फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है ना, ऐसे केसेस में ना फर्म बेटा इंडल्ज हो जाती है इन ओवर ट्रेडिंग। समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। बाबू आप अपनी दुकान पर कॉस्मेटिक्स बेचते हो, ठीक है, और आप आज किसी सप्लायर के पास सामान खरीदने गए और वो पता क्या कह रहा है, कितना भी ले लो उधार, जब मर्जी दे देना। अगर इतना इजी उधार मिलता है और इतना फ्लेक्सिबल उधार मिलता है कि कभी भी दे देना और कितना भी ले लो, बेटा हमेशा फर्म क्या करती है, ओवर ट्रेडिंग। पता है ना दुकान पे बेटा एक साल की सेल 20 लाख रुपए है, तब भी सामान खरीद के लेके आएंगे 30 लाख रुपए का। हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्यों बेटा? जैसे फ्री बट रहा हो, फ्री मिल रहा है ना, कोई नहीं उठा लो, क्या जा रहा, ये भी रख लेते हैं दुकान पे, ये भी रख लेते हैं। और होता पता है क्या बेटा, इस चीज का रिस्क कॉपी को बियर करना पड़ता है, क्योंकि जब दुकान पे सामान बिकता नहीं और हम उठा के देखते हैं, अच्छा इसकी एक्सपायरी तो प्रोडक्ट की बस 2 महीने की रह गई, 2 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, क्या आपको पेमेंट नहीं करनी पीछे? आपको तो करनी है बेटा। वो रिस्क आपने अपने ही गले डाल लिया बेटा, फ्री फ्री का दिखते हुए। समझ आई ना बात? क्लियर हुई ना बात बेटा? सेकेंड वन, ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। अभी बताया मैंने कि अरबों करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं, कौन दे देगा बेटा अरबों करोड़ रुपए का उधार? ठीक है ना, अगर मैं पूछूं 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे, सर नहीं आ सकते, ये ऐसी अमाउंट नहीं है जो 100 करोड़ का उधार दे देगा कोई इंसान आपको। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 1-2 करोड़ रुपए। ठीक है जी, थर्ड वन, इतना भी नहीं यार, ये भी बहुत ज्यादा है यार। ठीक है ना, चलो थर्ड वन। नहीं नहीं, मैं तो एक बहुत बड़े स्केल की ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचता हूँ जब एग्जांपल सोचता हूँ, तो रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1-2 करोड़ का उधार क्या होता होगा? हाँ तो मिलता ही होगा भाई, लेकिन हाँ 100 करोड़ जैसी रकम वहाँ भी नहीं मिलती होगी। ठीक है ना भाई, एक बात समझो, रिलायंस के ऊपर विश्वास तो कर सकते हो आप 100 करोड़ का, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना ये कर रहा हूँ सेलर की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी बेटा किसी भी, जो 100 करोड़ का उधार दे दे। वो विश्वास तो पूरा करता होगा रिलायंस को कि आप दे दोगे पैसे, पर भाई उसकी भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए जिसने उधार देना है। ठीक है ना, थर्ड वन कहता है बेटा इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू द मोस्ट अदर सोर्स ऑफ रेजिंग फंड। देखो बेटा एक काम की बात बताता हूं, मैं अगर लिख दू ना 10% डिबेंचर, तो आपको समझ में आता है जी डिबेंचर की कॉस्ट 10% है। अगर मैं लिख दू 12% प्रेफरेंस शेयर, तो समझ में आता है प्रेफरेंस की कॉस्ट 12% है। मैं वर्ड लिख दू ट्रेड क्रेडिटर, इंसान को लगता है इसमें तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, क्या ही खर्चा है, 50,000 रुपए का उधार सामान आया, मैंने 50,000 चुकता दिए, मेरा क्या लगा? सर जो लगता नहीं ना, जो दिखता नहीं, सही मायने में भाई उधार का खरीदा गया सामान बहुत महंगा है। क्या होगा बेटा, आप एक सप्लायर से आज रेट कंफर्म करते हो और कहते हो नगद नहीं दे रहा उधार, आज तो वो उधार दे देगा आपको ठीक रेट पे, एक हफ्ते बाद फिर रेट कंफर्म करते हो दे देगा बेटा,
जब 3-4 महीने के बाद आप रेट कंफर्म करना भूल जाओगे तो रेट बढ़ बढ़ के आने शुरू हो जाएंगे। हमेशा उधार की चीज महंगी होती है। कौन कहता है बेटा सस्ती होती है? दिखाई नहीं देता बस। तो बेटा ट्रेड क्रेडिट एक कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, दिखेगा कभी नहीं बेटा, लेकिन हमेशा महंगा खरीदोगे। पता है ना बेटा, बिजनेस फैमिलियों को तो बहुत अच्छे से पता है बेटा, उधार की चीज हमेशा महंगी होती है, नगद की ताकत अलग है। ठीक है ना, बात क्लियर हुई होगी शायद। बेटा एक बार एडवांटेजेस पढ़ दो बेटा, फिर छुट्टी करते हैं, फटाफट से रीड कर दो बेटा। फर्स्ट एडवांटेज, ट्रेड क्रेडिट इज अ कन्वीनियंट एंड कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। मैं बोल चुका हूं ये एडवांटेज। सर जनरली हर बिजनेस में उधार है और मिलेगा ही मिलेगा, ये कभी नहीं रुक सकता। बाबू एक आप खुद सोचो, एक जनरल बात बड़ी सोचने की है, इंडिया में कितनी दुकानें हैं? गिनती नहीं है। वर्ल्ड में कितनी दुकानें हैं? गिनती नहीं है। सर अगर एक ट्रांजैक्शन भी एक दुकान पे उधार की होती हो तो एक दिन की बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन है। और आपको पता है एक दुकान पे एक उधार की ट्रांजैक्शन नहीं होती, कितनी कितनी होती है। तो बेटा ट्रेड क्रेडिट एक ऐसी चीज है बेटा, हर जगह पे मिलता है और मिलेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ये कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फंड है, ये नहीं कभी रुक सकता, वरना धंधे नहीं चलेंगे बेटा। सेकेंड वन, ट्रेड क्रेडिट में भी रेडिली अवेलेबल इन द केस ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ कस्टमर इज नोन टू द सेलर। एडवांस बता चुका हूं ये बात भी। सर उधार तब तक मिलता रहेगा जब तक आपकी क्रेडिट वर्थिनेस बरकरार रहेगी। जब तक उतारते रहोगे लोगों का पैसा टाइम पर, तब तक मिलता ही रहेगा। लेकिन एक बार आपने अपनी रेप्यूटेशन हर्ट करी, खुद से बेटा पैसा रोका किसी का, बस उसके बाद ये बेटा मिलना बंद, अदरवाइज तो हमेशा ही मिलेगा बेटा। बस आपकी क्रेडिट वर्थिनेस सेलर को कंफर्म होनी चाहिए कि हाँ आप पैसा उतारते हो वापस। क्लियर है ना। थर्ड वन बेटा, थर्ड वन हम पढ़ेंगे पहले लास्ट वन। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द फर्म व्हाइल प्रोवाइडिंग फंड। एडवांस पढ़ा चुका हूं बेटा, क्रेडिटर से जब भी हम उधार खरीदते हैं कोई एसेट क्रेडिटर के फेवर में गिरवी नहीं रखते। ठीक है ना, ऐसे होता है आप कोल्ड ड्रिंक पीकर आगे किसी प्रोविजन स्टोर से उधार कराए और घर के बिनामा गिरवी रखाए वहां घर को अक्कड़ कर सकता है ऐसा और कोई नहीं। चलो जी बेटा, थर्ड वन, ट्रेड क्रेडिट नीड टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये क्या मतलब हुआ, ट्रेड क्रेडिट क्यों चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन की सेल बढ़ाने के लिए। सही मायने में बेटा, आज आप किसी दुकानदार से मिलो, हाँ भाई धंधा कैसे चल रहा है यार, बहुत खराब, क्यों क्या हो गया? यार फाइनेंस की दिक्कत है, 50 लाख लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कोई उधार दे दे, सपोर्ट कर देना 20-30 लाख का, मैं सेल बढ़ा दूंगा। मेरे पास पार्टियां तो बहुत अच्छी अच्छी है पर मुझसे उधार मांगती है, मैं कहां से दूं? जनरली ऐसी टर्म्स बोलता है वो। उसने 50 लाख लगा रखा है बेटा और बहुत मार्केट में उधार फैला हुआ है उसका भी, थोड़े से पूंजी से काम कर रहा है, वो भी चाहता है बेटा मुझे कोई उधार पे सामान दे देना, तो वो आगे अच्छी अच्छी पार्टियों को उधार पे सामान दे के बेटा नई पार्टी जोड़ सकता है। तो बेटा ट्रेड क्रेडिट क्यों चाहिए? सेल बढ़ाने के लिए। बिजनेस की सेल तो बढ़ने को तैयार है, पैसा चाहिए बिजनेस में, और पैसा अगर आपके पास ना हो तो बेटा आपके पास एक ही सोर्स है, ट्रेड क्रेडिट, बहुत अच्छा सोर्स, मानते हो ना ऐसा होता है। या बेटा फोर्थ एडवांटेज भी लिखी गई है बेटा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो नियर फ्यूचर आपका काम बढ़ने वाला है तो, या सेल्स वॉल्यूम बढ़ने वाली है, तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा ट्रेड क्रेडिट ही याद आता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है बेटा, ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचते हो बेटा, और दिवाली आने वाली है, इस टाइम पे आप क्या चाहोगे बेटा? सबको यही कहोगे ना 50-50 लाख का माल भेज जाओ, 5-7 सप्लायर आपका, सबको कहोगे भेज दे, दिवाली के बाद करता हूं पेमेंट, दिवाली के बाद करता हूं, क्योंकि बेटा आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल बहुत जल्दी में, एक महीने के बाद दिवाली है, आपका सेल्स वॉल्यूम डबल होने वाली है। तो आप क्या चाहते हो बेटा? कि कहीं से सपोर्ट मिल जाए, आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप उस टाइम पे चाहोगे ट्रेड क्रेडिट से, बस बेटा कहीं ना कहीं मेरे को कुछ हेल्प मिल जाए, और सप्लायर्स करते ही ऐसी हेल्प, क्योंकि उनको पता है बेटा आपकी सेल होगी, आप पैसे तो दोगे ही दोगे। क्लियर है बात? ओ लोग के आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।